हाय दादी। अरे आओ आओ श्रेया बेटा, तैयार हो क्या आगे की कहानी सुनने के लिए? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी आगे की कहानी सुनने के लिए, सुनाइए जल्दी। तो जैसे ही लड़के वाले मतलब मुझे आके देख के गए ना, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम तैयारियां वगैरह। तभी एक दिन उन्होंने अखबार डाला और उस चिट्ठी में मतलब उन्होंने लिखा था कि वो मतलब 2-3 दिनों के लिए शहर जा रहे, कुछ काम था जरूरी। तो मैंने कहा चलो अभी 2-3 दिन तो अखबार में चिट्ठियां बंद हो जाएंगी, कोई बात नहीं। जैसे ही वो 2-3 दिन शहर चले गए, इधर गांव में सब कुछ उल्टा पुलट हो गया। ऐसा क्या उलट पुलट हो गया वहां पे? मेरी जो मतलब सास थी ना, मतलब तेरे दादाजी की माँ, वो दादाजी के रूम में चली गई और ना वो रूम साफ सफाई करने के लिए बैठ गई। काय गो भाई, हाँ पोरगा, अभी इसकी 2 महीनों में शादी हो जाएगी और ये देखो कमरा इतना गंदा रहता है, क्या बोलेगी वो होने वाली सुनबाई। ये पेपर पेपर कर। तो उनको वो सारी चिट्ठियां हाथ में लग गई। अब मैं क्या डर भाई, फिर क्या हुआ? फिर होना क्या है, उन्होंने एक एक करके सारी चिट्ठी पढ़ी, मैंने क्या क्या भेजा था वो सब उन्होंने पढ़ लिया। तभी मैं बोलूं कि उस दिन वो लड़की हमारे यहाँ पे क्यों आई थी, एक ज्यादा वाला अखबार लेके। मतलब इन दोनों की शादी की बातचीत होने से पहले ही वो लड़की मेरी बेटी को चिट्ठियां भेज रही थी। अगो भैया कितनी तो घटिया ये लड़की, बराबर इसके बाप ने इसका नाम बराबर रखा है लेला, पता नहीं कितने मजनू को चिट्ठियां भेजती होगी ये। और फिर उनकी सटक गई, देखा ही नहीं, ये रिश्ता अब मुझे आगे नहीं बढ़ने देना होगा, ये रिश्ता यही खत्म। देशमुख भाई अब तू मेरे हाथ से गई। ओह नो, एक तो पहले से ही वो लाल मिर्ची का तेरे एकदम लाल थी, ऊपर से वो और लाल हो गई, फिर जो हुआ वो तूफान था। वो गुस्से में मेरे घर की तरफ बढ़ रही थी, धबाक 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 धबाक। फिर वो आई और फिर मेरी माँ को बाहर बुलाया। देशमुख भाई, ए देशमुख भाई बाहर निकाल। पंडित बेबी क्यों आई? अब भाई पंडित भाई क्या हुआ? कुछ जरूरी काम था मेरा आपसे। क्या हुआ मतलब आप अचानक? मैं आज ही आपके पास आने वाली थी मेरी बेटी की कुंडली लेके। अपनी बेटी की कुंडली डाल चूल्हे में। क्या हुआ, आप किसी बात से नाराज है क्या? नाराज? मैं क्यों होंगी नाराज? अरे मैं क्यों होंगी नाराज? नाराज तो तुम्हें होना चाहिए, तुम्हें। आइए ना अंदर बैठ के बात करते, बाहर अच्छा नहीं लगता वो। चल चल, क्या घर में आऊँ? क्या आऊँ घर में, तुम्हारी बेटी ने खुल्लम खुल्ला सब कुछ कर दिया ना बाहर, अब घर में आकर मैं क्या करूँ? हाँ, अखबारों में लड़कों को चिट्ठियां भेजती है तुम्हारी बेटी। पंडित भाई कुछ भी बहुत आरोप लगे मेरी बेटी के ऊपर, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। ए कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, समझी ना, कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। मेरे बेटे को पहले से ही तुम्हारी बेटी चिट्ठियां भेज रही थी अखबारों में, तभी मैं बोलूं उस दिन एक्स्ट्रा का अखबार कैसे आ गया? मेरा प्रकाश एक मतलब एक ही डालता है, उस दिन कैसे 2 पड़ गए उससे? मैं समझ गई थी तभी कि ये इसे की एक पड़ी भाई। मुझे पता था कि तू अपनी बेटी की गलती मानेगी नहीं, इसलिए मैंने चिट्ठियां लाई है, ये देख पढ़ वो चिट्ठियां क्या लिखा है पढ़। व
देखो देखो कुलकर्णी भाई, देशपांडे भाई, देखो चिट्ठिया, देखो इनके बेटी की चिट्ठिया, देखो शादी से पहले चिट्ठिया लिखती है। पंडित भाई मैं क्या बोलती हूँ, आप अंदर आके बात कीजिए ना, बाहर अच्छा नहीं लगता वो। अरे जा, ऐसे घर में मैं कदम भी ना रखूं, मेरी बिल्ली भी ऐसे घर में ना घुसे। देखिए पंडित भाई, अगर मेरी बेटी ने चिट्ठी लिखी है तो आपके बेटे ने भी चिट्ठियां भेजी होगी उसको। देखिए देशमुख भाई, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। मुझे मेरे बेटे पे विश्वास है ना, आपकी बेटी पता नहीं कितने लोगों को चिट्ठियां भेजती होगी ऐसे। फिर महाभारत जैसा युद्ध हुआ वहां पे, एक दूसरे के ऊपर शब्दों का वार, ये वो सब 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 कुछ वहां पे बिगड़ गया उनका। देखिए गलती दोनों की है, मेरी बेटी की ऊपर आरोप लगाना बंद कीजिए आप। चल चल, मेरे बेटे की गलती हो ही नहीं सकती, तुम्हारे बेटी में ही खोट है। आता मेरी बेटी की काय की खोट? मेरी बेटी की खोट ही नहीं होगी, आपकी बेटी में ही खोट होगी, इसलिए उसे चिट्ठी भेजी। ए टौड़े कुछ भी मत बोल, मेरे बेटे में कोई खोट नहीं, समझी ना, तुम्हारे बेटे में खोट है। तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को गुमराह किया, चिट्ठियों में चिट्ठियों का जाल बुना, सारी गलती तुम्हारी बेटी की है। मैं मेरी बेटी की शादी तुम्हारी बेटी के साथ नहीं करूंगी, तोड़ देती हूँ मेरी रिश्ता, ये अभी इसी वक्त तोड़ देती हूँ। ए तू ज्यादा मत कर, निकल जा। हाँ जा ही रही हूँ, मुझे भी यहाँ पे खड़े रहने में कोई मजा नहीं आ रहा, समझी ना। पर एक बात तू कान खोल के सुन ले, इस गांव का कोई भी लड़का तेरे बेटे के साथ अब शादी नहीं करेगा, इतना ध्यान में रख ले, क्योंकि मैं तेरी बेटी का चिट्ठियों का खेल सारे गांव को बताने वाली हूँ। हाँ मैं भी देखती हूँ तुम्हारे बेटे को कौन लड़की देता है, ऐसे बेटे को कौन लड़की नहीं देगा। और फिर दोनों इतनी लड़ी कि वहां पे उन्होंने हमारे रिश्ते का मतलब यही बंद कर दिया। और फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो जैसे ही चली गई मेरी माँ ने मुझे बुलाया। ललिता, ए ललिता। क्या हुआ माँ? वो अखबार वाला तुझको चिट्ठी देता है। अरे नहीं, माँ को क्या पता चल गया क्या चिट्ठियों के बारे में? नहीं माँ, नहीं नहीं चिट्ठी नहीं भेजते हैं वो। झूठ मत बोलो मुझसे ललिता, एक शब्द में जवाब दो, हाँ या ना। कितने दिन से चल रहा है ये? पिछले एक महीने से चल रहा है। तुझको तुझको इतनी छूट देगी ना, मैंने गलती की है। तू उसको वो पंडित भैया के क्या नहीं तो बोलेगी मुझे, वो तुम्हारी वजह से। चलो मैं दिया करती हूँ तुम्हें। अब लड़के क्या होगा, चिट्ठियों का खेल तो करके बैठ गई तू। मुझे बहुत बुरा भला मारा भी मुझे, और बहुत ये बोला कि तब तक मुझे मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या करूंगी मैं, बहुत कुछ हुआ उस वक्त। पर दादी जी आपने ऐसा किया ही क्या था, बस चिट्ठियाँ तो भेजी थी, ये तो कितनी नॉर्मल सी बात है, अगर क्या हो आपने चिट्ठियाँ भेजी तो, मतलब ऐसे कैसे आपको सभी ने आके बोल दिया? अरे श्रेया बेटा तू जरा सोच ना, अभी भी मतलब लड़कियों को इतनी हम फ्रीडम नहीं देते, उस जमाने में तो क्या फ्रीडम होगी, 50-60 साल पहले तो क्या होता होगा, उस टाइम पे भी मैं एकदम ऐसी थी मॉडर्न जमाने की, पर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया वो मेरे ऊपर। मुझे क्या पता था कि लोग ऐसे होते हैं, ऐसी सोच उनकी, और खास करके ये सुनने वाले सास की ऐसी सोच, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे तो लगा ये रिश्ता अब यही बंद हो जाएगा। फिर आप दोनों की रिश्ते की बात आगे कैसे बढ़ी? फिर बात मेरी रिश्ते की आगे मतलब पापा मेरी बहुत कोशिश कर रहे थे माँ से बातचीत करने की, पर मेरी माँ पापा का एक भी कुछ मतलब सुनने के लिए तैयार नहीं थी। ए जरा धीरे, अरे ओ जरा धीरे धीरे, वो जमीन धंस जाएगी अंदर। क्या धीरे क्या धीरे, आपकी वजह से हुआ है सारा ये, बचपन से तो सिर में बैठा के रखा है। अरे जरा शांत बैठो। क्या शांत हूँ,
वो पंडित भाई ने आके मेरी सबके सामने क्या कुछ नहीं बोला उसने कुछ कुलकर्णी भाई हंस रही थी। अरे लोगों का काम होता है हंसना, हंसने दो उनके दांत दिखेंगे। पर उनको मौका ही क्यों देना ना, उनको मौका ही क्यों देना हंसने का, इस बेशर्म का अभी कॉल कर ले। टाउली मिली कुछ नहीं, इसको मामा क्या भेज देगा, इधर रखना ही नहीं इसको। देखो देखो शांत बैठो, गलती हो ही बेटी से पता है, पर कोई रास्ता निकालेंगे ना हम। क्या निकालेंगे रास्ता, सारे गांव को पता चल चुका है चिट्ठों के बारे में, वो पुरोहित भाई ने सारा गांव पर ढिंढोरा कर दिया। हरकत मेरी, देखो मैं मेरे दोस्त के साथ थोड़ी सी बात करता हूँ, हम दोनों आपस में बैठ के बात करते कुछ रास्ता निकालेंगे। बिल्कुल नहीं हाँ, बिल्कुल नहीं, उनके साथ बात ही नहीं करनी। अरे क्या बिल्कुल नहीं, तुम्हारी मर्जी से चलेगा क्या सब कुछ, खुद तो लड़ती हो, हम अच्छे दोस्त हैं समझी ना, हम बात करेंगे मिलके। आपका दोस्त तो अच्छा है, उसकी बीवी देखो जीती जाती चांडाली नहीं चांडाली, उसको तो कोई तभी सही बात करनी थी, उसको बोल रही थी घर के अंदर आके बात करो, नहीं सबके सामने बात की उसने। वनिता देखो कुछ चीजें शांति से संभालनी चाहिए समझी ना, तुम औरतें ऐसी लड़ती रहती हो, तुमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, हम बात करते हैं अच्छे से। वैसे भी उन दोनों की शादी की चर्चा तो हो ही रही थी ना, तो क्या हुआ दोनों अगर शादी से पहले बात कर देते, उसमें थोड़ी सी बुराई क्या रही थी। वैसे भी अभी फिल्में भी देख रही हो तुम, हाँ लव मैरिज वो मैरिज तो वो होने लग गए, तो थोड़ा सा अभी हमें भी जरा आगे का सोचना चाहिए, माफ कर देते बच्चों को, हो गई उनसे गलती, हम दोनों बात करते कोई हल निकालेंगे, तुम दोनों बात मत करो नहीं तो बात और बिगड़ जाएगी। ठीक है आपको जैसा सही लगे वैसा करो, पर अगर बाद में कुछ हो जाए तो इसकी भागीदार मैं नहीं होंगी, आपकी बेटी जानो और आप जानो, मुझे बीच में नहीं लेने का। ए, ए वनिता वनिता ललिता, ए ललिता। तेरे दादाजी आ गए, अभी मैं बाकी की कहानी कल सुनाती हूँ, अभी अभी और है, अभी तो बहुत मजा आएगा कहानी में। अच्छा ठीक है मैं कल फिर आऊंगी।